हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपी टेट नॉन मेडिकल जून 2023 का क्वेश्चन पेपर फाइनल आंसर की के अनुसार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साइकोलॉजी सेक्शन है, ये ए सीरीज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट। ये स्टेटमेंट वुडवर्थ की है, बी करेक्ट आंसर है। वुडवर्थ के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी। क्वेश्चन नंबर टू, अकॉर्डिंग टू द पियाजे इन विच स्टेज चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर वोकैबुलरी। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में एक बच्चा शब्दावली अर्जित करना शुरू कर देता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा वोकैबुलरी एक्वायर कर देता है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट। कोहरबर्ग के अनुसार एक बच्चा नैतिक विकास के कितने चरणों से गुजरता है? सिक्स स्टेजेस, ए करेक्ट आंसर है इसका, सिक्स। क्वेश्चन नंबर फोर है, कोल्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ। कोह का ब्लॉक डिजाइन बुद्धि परीक्षण डैश का एक प्रकार है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट का एक टाइप है, बी करेक्ट आंसर है इसका, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SR थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रिइंफोर्समेंट। निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा SR सिद्धांत बिना पुनर्बलन के है? पेवलव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज द करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर है, पेवलव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एन आर्किटेक्ट इज फाउंड टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। एक वास्तुकार में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? स्थानिक बुद्धि एक वास्तुकार में पाई जाती है, स्पेटियल इंटेलिजेंस, बी करेक्ट आंसर है इसका, स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर सेवन, हु प्रपोंडेड मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थोरनडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, ए करेक्ट आंसर है इसका, थोरनडाइक। क्वेश्चन नंबर एट है, हु प्रपोंडेड सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अल्बर्ट बंदूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, ए करेक्ट आंसर है इसका, अल्बर्ट बंदूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंदूरा ने। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान स्वीकार करता है? स्ट्रक्चरिज्म, संरचनावाद, ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर टेन, अ स्टूडेंट ऑलवेज गेट्स टू टॉफीज आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइंस, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। एक विद्यार्थी को हमेशा 10 सही पंक्तियां लिखने के बाद 2 टॉफियां मिलती हैं, यह उदाहरण है। फिक्स्ड रेशो रिइंफोर्समेंट का ये उदाहरण है, निश्चित अनुपात प्रबलन, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, हु कंसल्टेड दैट लैंग्वेज एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट प्लेज अ विटल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बालक के संज्ञानात्मक विकास में बाधा और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की विशेष भूमिका होती है, यह निष्कर्ष किसने दिया? ये स्टेटमेंट निष्कर्ष वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया था, ए करेक्ट आंसर इसका, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। स्टेटमेंट वन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ नेचुरल प्रोसेस। स्टेटमेंट टू है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। स्टेटमेंट थ्री, ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड बाय मैच्योरिटी। एंड द लास्ट वन इज, ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, बी करेक्ट आंसर है इसका, ह्यूमन डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। मानव विकास अभिवृद्धि के बिना भी संभव है, बी करेक्ट आंसर है इसका, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? ट्रांसपोर्टेशन फैकल्टी, परिवहन सुविधा, यह एक कारक नहीं है इसको प्रभावित करने वाला, अधिगम को प्रभावित करने वाला, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है,
वेन द कॉन्शियस माइंड ऑफ अ पर्सन इज फोकस्ड ऑन सम ऑब्जेक्ट ऑब्लिक एक्टिविटी इज कॉल्ड, जब किसी व्यक्ति का चेतन मन किसी वस्तु गतिविधि पर केंद्रित होता है तो उसे फिलिंग द ब्लैंक्स कहा जाता है, तो उसे अटेंशन कहा जाता है। ए करेक्ट आंसर है अवधान। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनयूजुअल रिपीटेटिव बिहेवियर एंड आवर टेंडेंसी टू एंगेज इन अ रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज आर द सिम्टम ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स, व्यवहार की असामान्य पुनरावृत्ति और समिति गतिविधियों में संकलन होने की प्रवृत्ति किसके लक्षण हैं? ये स्वलीनता के लक्षण हैं। ए करेक्ट आंसर है इसका ऑटिज्म। ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ अ चाइल्ड मिसबिहेव इन अ क्लास टाइम एंड अगेन द टीचर शुड, यदि कोई बच्चा कक्षा में बार बार दुर्व्यवहार कर रहता है तो शिक्षक को चाहिए कि उसे परामर्श दें, कंसोल हिम ओके, उसे परामर्श देना चाहिए। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ चाइल्ड डेलिंक्वेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का कारण नहीं है? बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आकांक्षाओं का संतुलित स्तर। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज करेक्ट, अभिप्रेरणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोटिवेशन इज इनकल्केटेड एज द रिजल्ट ऑफ सम नीड, अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। बिल्कुल करेक्ट है, सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 19, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज पॉसिबल व्हेन द टास्क्स आर सिमिलर, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण तब संभव है जब कार्य समान है। ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स टू स्टूडेंट्स विल प्रमोट लर्निंग, बी करेक्ट आंसर है, छात्रों में परिणामों का ज्ञान प्रदान करना ही क्या है, अधिगम को बढ़ावा देना, बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडीज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कारण प्रभाव संबंध का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड द्वारा किया जाता है, प्रयोगात्मक विधि सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, फिलिंग द ब्लैंक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, मेमोरी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, स्मृति संरचनात्मकता का तत्व नहीं है, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑल लर्निंग इज, फिलिंग द ब्लैंक्स सीखने का एक अनिवार्य पहलू है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग, मोटिवेशन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ द स्टूडेंट आर 8 and 8 रिस्पेक्टिवली, देन हिज आईक्यू विल बी ऑफ एवरेज लेवल, एक छात्र की मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु क्रमशः 8 and 8 है, तो उसका आईक्यू क्या होगा? उसका आईक्यू औसत स्तर का होगा, एक एवरेज लेवल का आईक्यू होगा उस बच्चे का, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद अदर मेंबर्स ऑफ हिज सोसाइटी, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? किसी व्यक्ति के अपने समाज के अन्य सदस्यों के साथ संबंधों का विश्लेषण करना, ये मनोविज्ञान शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्य नहीं है, सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन सम केसेस चिल्ड्रन शोज लेस मेंटल एबिलिटी एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा, दिस रूल ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड लॉ रिग्रेशन,
प्रतिगमन का नियम इसे कहा जाता है। कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम मानसिक क्षमता दिखाते हैं और इसके विपरीत वंशानुक्रम का यह नियम क्या कहलाता है? यह नियम कहलाता है प्रतिगमन का नियम या लॉ ऑफ रिग्रेशन का नियम। डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स। अभिप्रेरित व्यवहार किसके प्रति केंद्रित होता है? लक्ष्य के प्रति केंद्रित होता है। अ मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द गोल। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्राइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ माइंड। सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मन का स्तर नहीं है? सुपर कॉन्शियसनेस इज नॉट द लेवल ऑफ माइंड। डी करेक्ट आंसर है इसका। परम चेतन मन का स्तर नहीं है। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, डिसग्राफिया इज द राइटिंग डिसऑर्डर। सी करेक्ट आंसर है, लेखन संबंधी विकार है एक डिसग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी सेक्शन का, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी मेंटल एबिलिटीज। प्रारंभिक मानसिक योग्यता की अवधारणा किसने विकसित की थी? एल थर्स्टन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का। एल थर्स्टन ने यह अवधारणा दी थी प्रारंभिक मानसिक योग्यता की। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सेक्शन 2 केमिस्ट्री का। 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के डिस्कस करेंगे। 31st क्वेश्चन है, विच फैब्रिक इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन इज देन आर्टिफिशियल सिल्क। बी करेक्ट आंसर है। किस रेशे को कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है? रेयन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, द प्लास्टिक दैट इज यूज्ड टू कोट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन टू मेक देम फायर प्रूफ, तो मेलेमाइन का यूज होता है। बी करेक्ट आंसर है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों की पोशाक को अग्निरोधक बनाने के लिए किस प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है? मेलामाइन। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर विगरसली। इनमें से ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। सोडियम इज द करेक्ट आंसर। सोडियम सबसे फास्ट ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट्स एंड कैचेज फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। इनमें से कौन सी धातु वायु के संपर्क में आने पर अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती है? फॉस्फोरस आग पकड़ लेती है। ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, विच मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। एलुमिनियम इज द करेक्ट आंसर। कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? एलुमिनियम। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, नेफ्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार एंड आर यूज्ड एज मोथ रिपेलेंट। सी करेक्ट आंसर है। कोल तार से प्राप्त होने वाली नेफ्थलीन की गोलियों का प्रयोग किस रूप में होता है? कीट निवारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट क्लोरीफिक वैल्यू। इनमें से किसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक है? एलपीजी का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज यूज्ड बाय द गोल्डस्मिथ्स फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। सुनार लोहे और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के किस भाग का उपयोग करता है या करते हैं? आउटर जोन का यूज करते हैं वो लोहे सोने और चांदी को पिघलाने के लिए। बाह्य भाग का। ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिटमस निष्कर्षित किया जाता है लाइकेन्स। करेक्ट आंसर है इसका, लाइकेन्स के द्वारा। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द एसिड प्रेजेंट इन स्पिनाच ऑक्सोलिक एसिड पाया जाता है पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है पूछा गया था। ऑक्सोलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। सी सही उत्तर है, ऑक्सोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 41, इफ चाइना रोज इज यूज्ड एज अ नेचुरल
इंडिकेटर विच कलर विल इट गिव विद द बेसिक सॉल्यूशन। यदि गुड़हल के पुष्प को एक सूचक के रूप में उपयोग किया जाए तो ये क्षारक के साथ कौन सा रंग देगा? तो ये ग्रीन कलर देगा। बी करेक्ट आंसर है इसका ग्रीन, हरा। क्वेश्चन नंबर 42, ये आपको एक न्यूमेरिकल था। व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन ऑफ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन एनफ वाटर टू फॉर्म 250 मिलीग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करना था क्वेश्चन को। ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा वो ए होगा, 0.4। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 0। आंसर आएगा इसका 2, यानी कि सी सही उत्तर होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इसमें IUPAC नेम में इसका नामकरण करना था आपको। ओके, अनिल ट्रिलियम इसका जो है IUPAC नेम होगा। डी करेक्ट आंसर होगा अनिल ट्रिलियम। क्वेश्चन नंबर 45, ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटैक्ट। ए करेक्ट आंसर होगा इसका प्राइमरी, प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 46, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज इज फाउंड इन। तो ये सुक्रोज में पाया जाता है, सुक्रोज द करेक्ट आंसर, बी सही उत्तर हो जाएगा, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 47, सम ड्रग्स बाइंड टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, द साइट इज नोन एज एलोस्टेरिक साइट। बी करेक्ट आंसर है एलोस्टेरिक साइट। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। यूरिया इज द करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया। क्वेश्चन नंबर 49, द डिफरेंस इन द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमाइन इन क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमीन इन वाटर मीडियम इज ड्यू टू। क्लोरोफॉर्म में ब्रोमीन और जल माध्यम में ब्रोमीन के साथ फिनोल की अभिक्रिया में अंतर क्या कारण है? पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट विलाय की ध्रुवीयता इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड। निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग एंटी एसिड के रूप में किया जाता है? तो रैनिटिडीन इज करेक्ट आंसर है इसका, रैनिटिडीन, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, कैप्रोलैक्टम व्हेन हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर गिव्स नायलॉन 6। डी इज द करेक्ट आंसर, उच्च तापमान पर गर्म करने पर कैप्रोलैक्टम क्या देता है? नायलॉन 6 मिलता है। डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 52, फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कंट्रोल एन एटम ऑफ XeF2। 3 इसका उत्तर होगा, 3, सी करेक्ट आंसर है। नेम द फॉलोइंग रिएक्शन, CH3Br प्लस 2Na प्लस CH3Br, CH3 प्लस 2NaBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये वुड्स रिएक्शन है, ए करेक्ट आंसर है इसका, ये आपने 12th में पढ़ा होगा, वुड्स रिएक्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्लो डाउन द सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की धीमी सेटिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जिप्सम डाला जाता है, जिप्सम इज द करेक्ट आंसर, ए सही उत्तर है इसका, जिप्सम। अगेन न्यूमेरिकल है, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट ऑफ कॉन्स्टेंट 1.15 × 10⁻³। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ हिज रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। सॉल्व करके जो आपको आंसर मिलेगा 444, बी सही उत्तर मिलेगा इसको, आपको सॉल्व करके बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, कंसीडरिंग द एलिमेंट्स ब्रोमीन एल्युमिनियम मैग्नीशियम एंड पोटाशियम द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक करेक्टर इज। तो आपको इनको क्रम वाइज करना था, तो सबसे पहले आ जाएगा पोटाशियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड ब्रोमीन। डी सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57 है, कंसीडरिंग द एलिमेंट्स
आपके पास एलिमेंट दिए हैं, इनको करेक्ट ऑर्डर में केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के साथ आपको लिखना था, तो उसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इनको रखना था। क्वेश्चन नंबर 58 है, सॉल्व करने पर इसको आपका आंसर आएगा 2.018 लीटर, एक सही उत्तर होगा इसका। एंड 59 का भी, और रिएक्शन ए प्लस बी सी प्लस डी प्लस क्यू इज़ फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चार्ज, द रिएक्शन विल बी पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, तरल होती है कमरे के तापमान पे। ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर। नाउ फिजिक्स सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 61 है, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तित करता है? 61 का जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ये कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट, डी करेक्ट आंसर है। उच्च धारा पर उच्च वोल्टेज में, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन एको। प्रतिध्वनि जो एको होती है उसको सुनने के लिए कम से कम दूरी कितनी चाहिए होती है? फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है, लेकिन आई थिंक इसका डी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स बैक रेडियो वेव्स टू अर्थ्स सरफेस। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? आइनोस्फीयर सही उत्तर है इसका, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, अ वेवलेंथ ऑफ 0.3 मीटर इज प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, विच टाइप ऑफ वेव वुड इट बी। तो ये वेव है ऑडिबल वेव, श्रव्य तरंग है ये, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, इफ टू प्लेन मिरर्स फेसिंग ईच अदर आर इनक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट लिंक्ड बिटवीन देम इज, बी करेक्ट आंसर है 11। क्वेश्चन नंबर 66, एन एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज एन, पानी में हवा का एक बुलबुला किस रूप में व्यवहार करता है? तो एक कनकेव मिरर कनकेव लेंस की तरह एक बिहेव करता है, ए करेक्ट आंसर है इसका, कनकेव लेंस अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स, द फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, जो आवृत्ति है वो समान रहती है, बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड यूजिंग एनेमोमीटर। तो एनेमोमीटर से विंड स्पीड यानी हवा का वेग मापा जाता है, विंड स्पीड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम एनर्जी। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, कौन से कलर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है? तो ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, ए इज द करेक्ट आंसर, नीला प्रकाश ब्लू लाइट। क्वेश्चन नंबर 70, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज हाफ्ड देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, देन डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर अंडर रूट 2, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल, एक हॉर्स पावर कितने किसके इक्वल होता है? 746 वॉट इज द करेक्ट आंसर, बी इज द सही उत्तर है 746। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज लीस्ट वेवलेंथ। गामा रेज हैज लीस्ट वेवलेंथ, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल 74, अ बॉय weighing 50 kg climbs 45 stairs in 9 seconds, if each step
इज ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर देन हाउ मच पावर डिड द बॉय स्पेंड 735 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 75 अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ देन द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी तो न्यू रेजिस्टेंस होगा आर अपॉन फोर ए इज द करेक्ट आंसर आर अपॉन फोर क्वेश्चन नंबर 76 है द साउंड इज हियर्ड ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज ऑन रेनी डेज बिकॉज बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूर तक सुनाई देती है क्योंकि बी सही उत्तर है इसका क्वेश्चन नंबर 77 है स्विमिंग पूल लुक्स लेस डीपर देन इट्स रियल डेप्थ द रीजन इज रिफ्रैक्शन अपवर्तन के कारण वो कम गहरा दिखाई देता है ए करेक्ट आंसर है रिफ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 78 है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-7 सेंटीमीटर होता है 1 नैनोमीटर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तब -7 होगा अगर मीटर दिया होता तब 10^-9 मीटर होना था लेकिन सेंटीमीटर में है तब -7 आया बी करेक्ट आंसर है फार साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय यूजिंग दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस को यूज में लिया जाता है उत्तर लेंस को बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 meters per second द प्रेशर ऑफ एयर इज इंक्रीज टू डबल व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड तो सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा 332 meters per second बी करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 81 है एट व्हाट एंगल द हॉरिजॉन्टल स्टोन शुड बी थ्रोन सो दैट इट कवर्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसको 45 degrees पर अगर फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा बी करेक्ट आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 82 है रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू जो वर्षा की बूंदें होती है वो गोलाकार आकृति की होती है इसका कारण क्या है इसका कारण है सरफेस टेंशन पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 83 द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है वो क्या वो डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है बी करेक्ट आंसर है डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन नंबर 84 220 वोल्ट 100 वॉट बल्ब इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सोर्स द पावर कंजप्शन बाय द बल्ब इज तो सॉल्व करके इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आएगा 25 वॉट क्वेश्चन नंबर 85 है विच फोर्स इज एप्लीकेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है तो दूध से क्रीम निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है सी करेक्ट आंसर है अपकेंद्रित बल क्वेश्चन नंबर 86 एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाय सन की ऊर्जा उत्पन्न होती है द एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन डी करेक्ट आंसर है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है ये क्वेश्चन नंबर 87 है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ए इज द करेक्ट आंसर वेबर क्वेश्चन नंबर 88 एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज सीमेंस या सीमेंस पर मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 89 व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो त्वरणीय गुरुत्वीय त्वरण होगा नेगेटिव होगा सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 90 द यूनिट ऑफ न्यूटन इज इक्वलेंट टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द यूनिट्स बी करेक्ट आंसर है इसी के साथ फिजिक्स क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं फोर्थ पार्ट है मैथमेटिक्स का लेकिन हम पहले जीके डिस्कस करेंगे जीके सेक्शन में जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का क्वेश्चन नंबर 121 है वेयर इज़ द फेमस सील ऑफ पशुपति फाउंड पशुपति प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ मिली है तो मोहनजोदड़ो में पशुपति की मोहर मिली है सी इज़ द करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो
क्वेश्चन नंबर 122, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ? व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड ऑन इंडिया? 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था भारत पे, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, व्हेन वाज इंटरनेशनल मदर्स डे 2023 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2023 कब मनाया गया? 14 मई 2023 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल मदर्स डे 2023। क्वेश्चन नंबर 124 है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 है, हु इज द करंटली द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? मनसुख मंडाविया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड गोल्डन थ्रेड? सोने का रेसा किसे कहा जाता है? जूट को गोल्डन थ्रेड कहा जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा? निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नदी डेल्टा फॉर्म नहीं करती है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128, विच सिटी इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया? मुंबई इज द करेक्ट आंसर। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया, मुंबई बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर ऑफ द कंट्री इज? देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है प्राकृतिक, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज? राजस्थान इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे बड़ी स्टेट है भारत की, ए इज द करेक्ट आंसर। 131 क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरबियन सी? कोची इज द करेक्ट आंसर, कोची इज द क्वीन ऑफ अरबियन सी। क्वेश्चन नंबर 132, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9th दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133, करंटली हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? करंटली 25 पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी करेक्ट आंसर है। 25 भाग हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 134, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू राज्यसभा? राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135, द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे पहली स्टेट है थी भारत की जो लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुई थी। क्वेश्चन नंबर 136, हु इज एट प्रेजेंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? राजीव कुमार इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बी इज द करेक्ट आंसर, राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 137, करंटली हु इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? सत्य नडेला इज द करंटली सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन? आर्टिकल 280 में बात की गई है वित्त आयोग की, फाइनेंस कमीशन की, ए इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 280। क्वेश्चन नंबर 139 है, विच हाईकोर्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस? अलाहाबाद हाई कोर्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल कहलाता है लाल ग्रह, रेड प्लैनेट, सी इज द करेक्ट आंसर। 141 क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग द हाईएस्ट सॉलिनिटी इज फाउंड इन? निम्नलिखित में से सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कौन सी लेक में? वन लेक है जो टर्की में, सबसे ज़्यादा खारी है, सबसे ज़्यादा सॉल्टी है ये, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142,
व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ यूएई? दिरहम इज़ द करेंसी ऑफ यूएई. डी इज द करेक्ट आंसर. 143. कालेश्वर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कालेश्वर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट. सी इज द करेक्ट आंसर. व्हेन डिड द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक अकर इन कांगड़ा? कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 4 अप्रैल 1905 में विनाशकारी भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था कांगड़ा में. ए इज़ द करेक्ट आंसर. 4 अप्रैल 1905. क्वेश्चन नंबर 145. इन विच ईयर धामी फायरिंग ट्रेजडी टुक प्लेस? धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ? 1939 में धामी गोलीकांड हुआ है, हुआ था. बी इज़ द करेक्ट आंसर. 146. क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट रिवर फ्लोइंग इन हिमाचल प्रदेश? यमुना रिवर सबसे छोटी नदी है. डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 147. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी एज पर द सेंसिस 2011? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? चंबा में महिला साक्षरता फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम है, लोएस्ट है. बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 148. रिसेंटली हाउ मच इंसेंटिव वाज अप्रूव्ड बाय द एचपी कैबिनेट एज इंदिरा गांधी सम्मान निधि टू ऑल एलिजिबल वुमेन ऑफ स्पीति? तो ये अमाउंट है 1500 पर मंथ, 1500 पर मंथ. क्वेश्चन नंबर 149. हाउ मैनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशीज आर देयर इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? किन्नौर जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? ओनली वन. बी इज द करेक्ट आंसर. केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र है किन्नौर जिले में. क्वेश्चन है 150. संजय पावर प्रोजेक्ट इन विच इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? जो संजय जल विद्युत परियोजना है ये किस जिले में है? तो ये किन्नौर जिले में है. बी इज द करेक्ट आंसर. लास्ट सेक्शन हम करेंगे जो सेक्शन थर्ड है मैथमेटिक्स का. इसके मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ओके, जो फाइनल आंसर की में है. क्वेश्चन नंबर 91 है. इफ अंडर रूट 2x इज 246 देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो x इज इक्वल टू, आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके 16 आंसर आएगा बी. क्वेश्चन नंबर 92 है. इफ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसीडर्ड 100% प्योर गोल्ड देन द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड विल बी? द राइट ऑप्शन इज 92, सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर. 91 सही, 2/3 परसेंट जो इसका आंसर आएगा करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 93. इफ द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स इज 120 देन देयर एचसीएफ कैन नॉट बी वन ऑफ द फॉलोइंग? सॉल्व करके डी ऑप्शन आएगा इसका आंसर, 35. तो ये 35 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 94. इफ ए अपॉन 2 इज इक्वल टू बी अपॉन 3 इज इक्वल टू सी अपॉन 4 देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बी इज इक्वल टू, तो इसका 3 करेक्ट आंसर आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर. 95 क्वेश्चन है. इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80 देन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8 देन द मीन ऑफ एक्स एंड वाई इज, तो मीन इसका 5 आएगा, डी करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 96. इफ 2a इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c देन a रेसो b रेसो c इज इक्वल टू, तो 96 का 6 रेसो 4 रेसो 3 करेक्ट आंसर होगा c. क्वेश्चन नंबर 97. हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन द ऑक्टागोन? अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? 20 विकर्ण होते हैं, सी करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 98. व्हील ऑफ मोटरसाइकिल ट्रेवल 440 मीटर डिस्टेंस इन 1000 रिवोल्यूशन, व्हाट विल बी इट्स डायमीटर? इन मीटर्स में आपको बताना है, तो इसको सॉल्व करके बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, 0.14 मीटर. यहाँ मीटर में पूछा है तो मीटर में ही आपका आंसर होना चाहिए, बी करेक्ट आंसर होगा इसका. क्वेश्चन नंबर 99. द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स इज 2:3 एंड द रेशो ऑफ रेडियाई ऑफ दियर बेसिस इज 1:2, फाइंड द रेशो ऑफ दियर हाइट. सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 8:3.
ट्रिग्नोमेट्री से नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री एज सो ऑन। कॉस 100 डिग्री इज इक्वल टू सी 0 के इक्वल होगा। सी इज द करेक्ट आंसर 101। प्रीवियस ईयर माई एज वॉज एन माई एज वॉज अ कम्प्लीट स्क्वेयर नंबर, नेक्स्ट ईयर इट विल बी अ कम्प्लीट क्यूब नंबर, एट प्रेजेंट माई एज इज 26 ईयर। ये आपको सॉल्व करके ए सही उत्तर होगा इसका। इफ अ मीन ऑफ 4 कंस्ट्रक्टिव ऑड नंबर्स इज 40, देन वट इज द लार्जेस्ट नंबर और टर्म। 43 इसका करेक्ट आंसर आएगा सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 103 है, 1/11 इज इक्वल टू 0.09 बार। सी उसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, लॉग ए स्क्वेयर अपॉन बी सी प्लस लॉग बी स्क्वेयर अपॉन ए सी प्लस लॉग सी स्क्वेयर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके 0 आएगा, बी सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 105, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। देन 0.50 इज द प्रोबेबिलिटी, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, इफ 3 raised to power x minus 1 इज इक्वल टू 486, देन x इज इक्वल टू 6। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107, यहाँ पे APGP से आपका क्वेश्चन है, 1³ + 2³ + 3³ and so on लास्ट में +n³ इज इक्वल टू, फॉर्मूला ही पूछ लिया था। फॉर्मूला होता है इसका n(n+1)/2² बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 है, 2 किलोमीटर 5 मीटर इज इक्वल टू, इसको आपको डेसिमल में लिखना है। जब आप इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 2.00005 किलोमीटर इसको डेसिमल में आएगा, ये सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109, ये आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आएगा आपका 1/25 बी, अगेन ऐसा ही सेम क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करके 5 आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 111, द लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 93 इज, करेक्ट आंसर होगा 9951 डी। क्वेश्चन नंबर 112, यहाँ पे अंडर रूट का क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, इसको सॉल्व करके आपके पास 4 आएगा, ई करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113, स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज फॉल्स, 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, एंड ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 16 cm, 12 cm एंड 20 cm, आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का। सॉल्व करेंगे आपका ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो आएगा 96 cm². सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 है, इफ कॉस थीटा कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 24/7 देन सेकेंड थीटा इज 25/24 बी इज द करेक्ट आंसर। पर क्वेश्चन नंबर 116 है, हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर, कुल कितनी सम अभाज्य संख्याएं हैं। केवल एक ही इवन प्राइम नंबर है, ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 117 है, 0.00035 कैन बी रिटन एज, तो इस टर्म को आप लिख सकते हो 3.0 × 10⁻⁵। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 है, इफ, तो आपके पास ये ट्राइंगल दिया है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, एंगल एक्स की निकालनी है आपको, तो 65 डिग्रीज का जो एक्स के एंगल की वैल्यू आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 119 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ए करेक्ट आंसर आएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के पेपर का 120th क्वेश्चन, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 इयर्स, किसी वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 12 वर्षों में दुगनी हो जाएगी।
ब्याज वार्षिक ब्याज दर निकालनी है। सॉल्व करेंगे 8 सही 1/3% आपके पास इंटरेस्ट पर अनम आएगा। ओके तो ये था फुल पेपर HP नॉन मेडिकल टेट 2023 का जो जून महीने में कंडक्ट हुआ था। ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही मैंने सारे आंसर बताए हैं। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। हैव अ नाइस डे।